क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप एक गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है, बड़ा एक महत्वपूर्ण एक दल है पूरा, जिसमें फील्ड के सभी प्रमुख अधिकारी जो लगे रहते हैं, इंक्लूडिंग DNCMHO, म्यूनसिपल कमिश्नर, पुलिस ऑफिसर्स, सभी लोग रहते हैं इसमें। और जो भी अलग अलग एक्टिविटीज़ होनी हैं इस कोरोना पॉजिटिव संक्रमण को रोकने के लिए, उन सभी का एजेंडा फिक्स किया हुआ है गवर्नमेंट ने। उसके अतिरिक्त कुछ और पॉइंट्स रहते हैं जो हम लोग डिस्कस करते हैं। ये सभी पॉइंट पे डिस्कशन हुआ है, किस प्रकार से कंटेन करना एरिया, किस प्रकार से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी है, किस प्रकार से सैम्पलिंग हो रही है, टेस्ट रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, अस्पतालों को किस प्रकार से कैटेगराइजेशन करते हुए उसकी व्यवस्था किस प्रकार से कर रहे हैं, सैनिटाइजेशन किस प्रकार से हो रहा है, तो अगर डिटेल इसमें चर्चा होती है हर बिंदु पर, सभी बिंदुओं में चर्चा हुई, क्वारंटाइन के लोगों को कैसे प्रोटोकॉल है, कैसे 14 डेज हो रहे हैं, उनको कैसे बाहर करना है, उन सब चीज़ों में डिटेल चर्चा हुई है सर, इसमें। इनमें से जो प्रमुख थे उनमें सबसे एक तो एक सर्विलेंस टीम को लेकर जो है वो कितना अब हम प्रभावी रहे हैं। सर्विलेंस टीम जो हम लोगों ने 200 मकानों पे एक आशा कार्यकर्ता वगैरह को लगाया, आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी और ये सर्विलेंस टीम का काम प्रभावी रूप से चालू हो गया है। ये भी ADM सुपरवाइज़ कर रहे हैं, SDM सुपरवाइज़ कर रहे हैं इसको, और उसका भी काम ठीक चल रहा है। उसमें जो भी पेशेंट्स के ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि सांस की तकलीफ़ है या कुछ अन्य तकलीफ है, उन सबको इमिडिएटली जो कार्रवाई करनी कार्रवाई चल रही है। और इसका बारीकी से जो टीम रिपोर्ट आ रही है पोर्टल पर हमारे हैं, उस पर क्या मेडिकल फॉलोअप हो रहा है, जो परीक्षित हैं जो 2017 बैच के IAS हैं अलग से लगाए गए हैं हेल्थ में, डॉक्टर भी हैं वो पूरा देख रहे हैं ये। सर जिस तरीके से इलाज की व्यवस्थाओं में कल आपने मीटिंग ली थी डॉक्टर्स के साथ चर्चा हुई थी, उसके बाद कुछ बदलाव नज़र आ रहा है? कुछ जो एम्स से डिस्कशंस हो रहे हैं, अन्य डॉक्टर्स जो नेशनल लेवल के डॉक्टर्स से डिस्कशंस हो रहे हैं, उसमें कल काफ़ी अच्छी एक हम लोगों ने मीटिंग ASCTCL के बाहर के मैदान में ली थी, और उसमें सारे येलो अस्पतालों के सारे इनके मालिक लोग भी थे और सब मेडिकल डायरेक्टर्स थे और काफ़ी कंसल्टिंग डॉक्टर्स भी थे। किस प्रकार से स्टेरॉइड्स को यूज़ करना है, किस वक्त से बहुत रिलीफ मिल रहा है लोगों को, अन्य कुछ ऑटो इम्यून सिस्टम इम्प्रूव करने की मेडिसिन भी हैं, उसका भी बड़ा फ़ायदा हो रहा है, तो वो सब चीज़ों में डिस्कशन हुआ था ताकि एक क्वालिटेटिव एनहेंसमेंट हो ट्रीटमेंट उस पर, तो वो सब चीज़ें भी बात चली, पूरी डिटेल डिस्कशन हुआ था। PPE किट हमको प्रतिदिन सफिशेंट मिल रही है, इसके अलावा हमने 10-12 हज़ार का एक स्टॉक और भी बुला लिया है, धीरे धीरे वो भी माल आ रहा है पूरा दिल्ली से, बॉम्बे से और अन्य जगहों से, और प्रतिदिन में जो संख्या में हम लोगों को डिमांड है येलो अस्पताल की या मेडिकल कॉलेज की या अरविंदो अस्पताल की या ग्रीन अस्पतालों की, वो भी हम लोग पूर्ति करने की स्थिति में हैं। सर आज जितने जैसे दो और डेथ हो गई है, मॉर्टेलिटी रेट हमारे यहाँ प्रदेश में पूरा, ये देखिए सारे वो केसेस हैं जो सीवियर केसेस थे और लास्ट वोट पे अस्पतालों में भर्ती हुए हैं, ये वो केसेस हैं, धीरे 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 चीज़ें इंप्रूव होंगी है, तो जो ओवरऑल देखा जाए तो जो स्थिति है, कल भी शाम को जो रिजल्ट्स आए थे, कल आंकड़ा जरूर रहा होगा 34 या 36 जो बताया था पॉजिटिव का, पर ये परसों का आंकड़ा भी जुड़ा था जो लेट नाइट रिजल्ट आए थे परसों रात में, कल करीबन 220 में से 10 पॉजिटिव थे, बाकी अधिकांश नेगेटिव थे, 207 या 8 नेगेटिव थे और 10 पॉजिटिव आए थे, तो धीरे 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 चीज़ें इंप्रूव होंगी। कंटेनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों का घरों में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग घर में रहें, जितना घरों में रहेंगे तो जहाँ जहाँ लोग जो 28 तारीख तक 29 से सख्ती की गई है, 28 तक जो मिक्सिंग हुई होगी उसका जो भी असर दिखेगा वो अब लोग अब धीरे धीरे चीज़ें सेटल डाउन हो रही हैं चीज़ें, तो वो बॉडी अपना भी फाइट करती है भाई, वायरस तो ऐसा है पृथ्वी में आया सभी में जाएगा, वो सभी की बॉडी में होगा, फाइट कर रही है बॉडी, कई कुछ जो कोमोर्बिडिटी वाले केसेस रहते हैं, अन्य बीमारी रहती हैं, उनको थोड़ा तकलीफ होती है, सेटल डाउन होता है। सर सबसे ज़्यादा डेथ देखने को मिली तो एक राहत बड़ी खबर है। देखिए मेरे ख्याल से जो काफ़ी बड़ी, जब तक तो डिस्चार्ज हो चुके हैं और जिस संख्या में मरीज आ रहे हैं उससे लगभग कुछ दिनों में ऐसा आंकड़ा अनुमान है उसी संख्या में लोग बाहर ठीक होकर निकलने में लग जाएंगे, तो क्योरेबल है, लोगों को यही तो समझाना है कि टाइम पे आ जाए, 100% क्योरेबल है ये, पर अगर कोमोर्बिडिटी है और आप बहुत लास्ट स्टेज में जा रहे हो अस्पताल में, तो वायरस का एक इन्फ्लक्स होता है पूरा अंदर, एक अटैक होता है वायरस का, उस स्टेज में जब जाते हो आप अस्पताल में तो उसको भी कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है डॉक्टर्स के लिए। सर ऐसे महामारी के दौर में, संक्रमण काल के दौर में कई लोग कालाबाजारी इस तरह से कर रहे हैं, तो क्या एक मैसेज? नहीं, वो तो बड़ा क्लियर रिटन ऑर्डर्स हैं हम लोगों के, आलू प्याज में सूचना मिली थी तो मैंने नगर निगम के सभी ZOs को बोला है कोई भी अगर ऐसा व्यापारी कर रहा है उसकी कार्रवाई करें, कुछ सैनिटाइजर्स और मास्क की बात भी आई थी, सैनिटाइजर और मास्क भी ज़्यादा दर पर दे रहे हैं, उनको भी हमने दवा बाजार एसोसिएशन के विभिन्न एसोसिएशन उनको बतलाया था कि जो भी ऐसी कर रहे हैं कार्रवाई आइडेंटिफाई करें, हमको बतलाया, अगर हमको हमको कोई सूचना मिलेगी तो हम डायरेक्ट कार्रवाई करेंगे, तो ऐसे समय में कालाबाजारी करने वाले तो बेसिकली समाज की दुश्मन ही बोला जाए उनको, पर हमारे अगर चंगुल में आ जाएंगे तो हम लोग उनको निपटाएंगे फिर। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।